मैं लगवा देती हूँ खाना, आप बैठ जाएं। नहीं नहीं बस हो गया, वो सलाद बना लिया आपने? जी। अब आराम से जाके बैठ जाएं, मैं लगवा लूंगी। सुनो, सर्वर से कहो असरा को साथ ले आए खाने में। ख्याल भी है उसका और इतनी सख्ती भी करती है उस पर। बेटियों की माँ को दिल सख्त करना ही पड़ता है। तुम्हारी माँ ने भी किया होगा, हर कामयाब घर की बुनियादें माँ के सख्त रवैये पे ही रखी होती है। शबाना, परेशान करके रख दिया सबने। अम्मी आप तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे वो आपकी अपनी बेटी थी, चाहती है तो जाए। घर का फर्द थी वो हाला। हाँ थी, लेकिन वो अपने किए की खुद जिम्मेदार है। अच्छी भली बहू बसा बसाया घर, लोगों को क्या जवाब देंगे? यही यही जवाब देंगे कि वो घर बसाने वाला मटेरियल ही नहीं थी। और वैसे भी ये बात पूरी दुनिया जानती है कि वो मेरे भाई की लायक थी नहीं। हाला बेटा तुम नहीं समझोगी, बदनामी बदनामी होती है। भाई का घर बिगड़ेगा तो तुम्हारा घर कैसे बस सकेगा? जमाना बदल चुका है, मशकूक सिर्फ बीवी के घर वाले नहीं होते, शौहर के घर वाले भी हो जाते हैं। एक जगह तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई थी खाला ने, वो लोग कल मिलने आना चाहते थे और ये सुल्तान लड़ाई लेकर बैठ गया है। फजूल में मशकूक हो जाएंगे। क्यों मशकूक हो जाएंगे? अम्मी जिसने मुझसे शादी करनी होगी ना कर लेगा, और जिसने नहीं करनी होगी ना वो ना करे। वैसे भी शादी करके घर बसाना मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। असरा कोई कबूल नहीं सब चीज। यहाँ तो ना सब पागल हो गए हैं। खाने से कैसी नाराजगी? खाने से तो नाराज नहीं होते। गुड गर्ल, तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनवाया, खाओगी? नहीं, चल थोड़ा सा खा। सर्वर, असरा बड़ी हो रही है, उसे बड़ा हो जाने दो। बहनें जितनी भी बड़ी हो जाए भाइयों के लिए तो हमेशा छोटी रहती है। शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर ऐसे भाई ये गलती करके पछताते हैं। क्योंकि उनकी बहनें सिर्फ आंसू जमा कर सकती हैं, दुनिया से मुकाबला करना है तो उन्हें मजबूत बनाना होगा। असरा, असरा, बैठ जाओ, बैठो और खाना खाओ। तुम लोग भी शुरू करो खाना।
घर तो मेरा है ना, पर अम्मा कह रही है कि ये घर मेरा नहीं है। मैं इस घर में मेहमान हूं, वो ऐसा कैसे कह सकती है मुझे, कैसे कह सकती है बाबा। आओ, क्या बात है, मां को दुश्मन समझ रही हो? नहीं तो फिर इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आओ इधर आओ। क्या आपको मुझ पे जरा तरस नहीं आ रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम खुद को बेहद मजलूम समझ रही हो। बात इतनी बड़ी है नहीं जितनी तुमने बना ली। अच्छा मुझे कुछ बताओ, आखिर हुआ क्या? क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सुल्तान के साथ गुजारा नहीं कर सकती हो? कुछ तो बताओ मुझे। सुल्तान? लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं कहता था दिन तो कहती थी दिन, मैं कहता था रात तो कहती थी। मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ ना आपसे बहुत। हाँ लेकिन तुम्हें ही उसकी तरह बॉन्डिंग क्रिएट करना नहीं आ रहा। तुम क्यों इतने कॉम्प्लेक्स का शिकार हो? मैं तुमसे नेल्स के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम हाथों का जिक्र कर रही हो। खैर गलती मेरी है, मैं भूल गया था कि तुम उन लड़कियों की तरह नहीं हो जो अपनी शौहर की पसंद के मुताबिक अपने आप को ढाल लेती हैं। और इतना ही नहीं, बज़ाहिर तो वो एक मुकम्मल हमसफर है जिनमें कोई कमी नहीं, पर वो Thank you.
कहाँ जा रही हो? I'm done. तो तुम्हें इतना नहीं पता कि अगर दो लोग एक साथ बैठकर एक टेबल पर खाना खा रहे हैं तो आप टेबल छोड़ के इस तरह नहीं उठते. It gives a very bad impression. अगर ये छोटी छोटी बातें भी मुझे तुम्हें सिखानी पड़ेंगी तो क्या खाक समझोगी तुम मुझे? ये तो बेसिक एटिकेट्स हैं यार, तुम्हें यही नहीं पता. दावा करती हो तुम मुझसे मोहब्बत करने का, इस तरह करोगी तुम मुझसे मोहब्बत? मुझे लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है सर. I'm sorry. कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. कोई बड़ी बात नहीं है अम्मा, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है. इन छोटी छोटी बातों से मुझे तकलीफ पहुंचती है, अज़ियत मिलती है मुझे. और मेरे अलावा उन्होंने किसी और लड़की की तरफ देखा, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? क्या मतलब कैसे भूल सकती हूँ? औरत हो, भूलना आना चाहिए, वरना जिंदगी को भूल जाओगी. माँ, असरा माँ हूं इसलिए तुम्हें समझा रही हूं. मर्द को बेहिजाब करोगी तो दिल पे जख्म के सिवा कुछ नहीं रहेगा. मेरे दिल पे तो अब भी जख्म के सिवा और कुछ नहीं है. हर वक्त उसकी टो में ना रहा करो, हर बात कह के खुद की बात का वजन हल्का मत करो. अपनी खामोशी से खौफ ज़दा करना सीख. अम्मा बस कर दे, जितनी आप सुल्तान की हिमायत कर रही हैं ना, मेरा दिल उतना ही उनकी तरफ से बुरा होता जा रहा है. सुल्तान से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी. मैं अब उस घर में तभी वापस जाऊंगी जब वो मुझे खुद लेकर जाने के लिए आएंगे. जो लड़की अना और खुदसरी दिखाती है वो अपने शौहर के दिल से उतर जाती है. मर्द मोहब्बत से पिघलता है असरा, खुदसरी और ऐब गिनवाने से नहीं. जो बीवी ऐसा करती है मर्द उसकी अना को एक ठोकर से उड़ा के पाश पाश कर देता है. इसलिए अकलमंद औरतें ये ठोकर पड़ने ही नहीं देती हैं. क्यों समझा रहे हैं आप मुझे? मत समझाएं. इस वक्त मैं सुल्तान के हक में कुछ भी नहीं सुनना चाहती. तुम अपनी जिंदगी के लिए जो रास्ता चुन रही हो उस रास्ते में कोई मंजिल नहीं आती. इस रास्ते में सिर्फ वीराना है और दुख है, और मैं तुम्हारी माँ हूं. इसलिए जब तक जिंदा हूं तुम्हें इस रास्ते पे कदम रखने नहीं दूंगी. तकिए पे जाके सो, जो उलझन होती है. मुझे तो यही अच्छा लगता है, यही तकिया है मेरा.
क्या हो गया है मुझे, क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? चली गई तो चली गई, लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, हम सबको तो याद नहीं करते। लेकिन पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ उसके बारे में? चली गई तो चली गई। मेरे राम, मेरे मालिक, तू जानता है मेरी बच्ची कितनी लाडली, मुझसे उसके आंसू देखे नहीं जाते, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। या अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरी दुआओं को कबूल कर ले मालिक। बस मैंने लीव के लिए अप्लाई किया, एक दफा लीव मिल जाए फिर मैं तुम्हें लेके चलूंगा सिंगापुर। डन, बहुत मजा आएगा। ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू। मीठा नहीं डाला? डाला तो है, चेक करो। मीठी तो है। अब मीठी है। सुल्तान, दस दिन से आपने हमारे साथ कोई राबता नहीं किया, तभी क्या गुजर रही होगी हमारे? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं ट्रॉमा में था, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। आफात ने जैसे हमारे घर का रास्ता याद कर, एक मुश्किल से गुजरते दूसरी मुश्किल सामने आ जाती। छोटी सी जिंदगी है, अगर इंसान किसी के काम आ सके तो जरूर आना चाहिए। साथ चलते चलते कौन कहाँ कब नजर और रास्ता बदले पता नहीं चलता, हम सब अनजान मंजिल के मुसाफिर हैं। कौन कहता है मेरी बेटी खूबसूरत नहीं, ऐसा लगता है चांद पहलू बदलकर सो रहा है। मेरी बच्ची को खाना बनाना भी आता है, उनके देखने में कमी है, लेकिन मैं ये कहूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने अपनी ममता में तुम्हें सपोर्ट किया तो तुम्हारा घर बसेगा नहीं। कल की गई हुई है असरा, तुमने कॉल करके पूछा उससे, खैरियत से पहुंच तो गई है वो। अच्छी लड़की है, बस थोड़ी सी गुस्से की तेज और जज्बाती है। बड़ा कसरे नफसी से काम लिया तुमने, ऐसी जो होती है ना जज्बाती गुस्से की तेज लड़कियां, दुखी सहती हैं वो भूल गई तुम? वो जो कमरे से बहू बेगम की आवाजें बरामद हो रही थी ऊंची ऊंची। अरे मनान साहब, चूंटी को भी पैरों तले रोंदो ना तो वो भी काट लेती है।
वो तो फिर इंसान है, आ गया उसे गुस्सा। अब अनान साहब हर लड़की कोई मेरी तरह गरीब थोड़ी ना होती है, जो गुरबत जैसी मजबूरी की वजह से सारी जिंदगी जूतियां खा खा कर गुजार दे, वो भी आप जैसे संगदिल इंसान के साथ। वाह, हमारी चूंटी को भी पर निकल आया। मैं संगदिल था ना, संगदिल था तो जुल्म सह गया तुम्हारे, वरना घर भेज चुका होता तलाक देकर। अब आप बूढ़े हो गए हैं, भूल जाएं उस किस्से को, उसकी सारी कसर मुझ पे ना निकाला करें। बसने दें बेटे का घर, उजाड़ने वाले तो खैर बहुत मिल जाएंगे। मुझे ना ये मेरी उम्र की अपडेट मत दिया करो। चल भी बेटे, चल शाबाश, उठ। इसके देव गली शिकवे का ये पिंडोरा बक्स खत्म नहीं होना, मुझे भी उतार दीजिए रास्ते में। ये ले, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा सुल्तान, आओ। नाश्ता ना करने देना आराम से। खुद ही जा रहे हैं आप। मिस, इस कान से बताएगा मिस? वो इस कान पे बताएगा। दिखाओ, यहाँ पर 43 नहीं 47 होगा। ये लो, दिखाओ। वेरी गुड, ये रही आपकी चॉकलेट, दिखाओ। गुड, वेरी गुड, ये रही आपकी चॉकलेट। आपको भी ला कर देती हूँ। सलाम भैया। बच्चे तो भी फैन हो गए आपके, आसान काम नहीं है बच्चे को संभालना। आपकी मेहनत नजर आ रही है। शायद वो आपको कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। परीजे, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो बेफिक्र होकर कहिए। या फिर किसी ने आपसे कुछ कहा है? कोई प्रॉब्लम है, कोई तंग कर रहा है आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं चाह रही थी कि कंप्यूटर का सेटअप मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। अरे इतनी सी बात है, अभी आ जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है तो हम आपको एक जॉब भी दे सकते हैं। जी, वो मैंने वेबसाइट डिप्लोमा किया हुआ है, एमएस ऑफिस भी आता है मुझे। अरे वाह, दैट्स परफेक्ट। गुरुंदा की वेबसाइट को मेंटेनेंस की जरूरत है। अगर आपको ठीक लगे तो हम आपको एक ऑफिशियल एम्प्लॉय के तौर पर हायर भी कर सकते हैं। आपको इसकी पे भी मिलेगी, और ये जो आप होमवर्क और ट्यूशन पढ़ा रही हैं बच्चों को, उसकी भी पे मिलेगी आपको। सच में? ऑफ कोर्स। जैसा कि आपने देखा होगा, गुरुंदा में टैलेंट की बहुत कदर है। आप तो वैसे ही बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह से। थैंक यू। फोकस। सर, आपका बैग। सुने, आप कुछ भूल रहे हैं। ओह, थैंक यू। सुने, आप कुछ और भी भूल रहे हैं। क्या? आज मेरा बर्थडे है। सॉरी, आई जस्ट कंप्लीटली फॉरगॉट। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अस्रा, आपको याद था? जाहिर है, तुम्हारी बर्थडे में कैसे भूल सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे।
अगर आपको याद था तो इतने ड्रामे क्यों कर रहे थे? तो तंग करने में मजा आता है। I love you. Love you. सर गाड़ी में रखो ना। ठीक कहते हैं बाबा कि औरत साथ होती ही ऐसे कि भी ऐसी ही। वो बड़ी से भी ऐसी थी। प्रीजेबा जी क्या हुआ है? तबीयत तो सेट है? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा वैसे। एक अजीब सी खबर देख ली थी जिसके बाद दिल ऐसा हो गया। अच्छा अच्छा, चाय रख दिया मैंने आपकी, ठीक है। से आपको मेरी कमी महसूस होगी तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी कमी महसूस हो तो मुझे खुद लेने आइएगा। मैं आपके साथ आ जाऊंगी। मैं नहीं आऊंगा। सरवर, असरा बड़ी हो रही है, उसे बड़ा हो जाने दो। असरा, भैया आए ना। मैं तुमसे कुछ कहने आया। असरा, अम्मा की बातें तल्ख जरूर हैं, लेकिन जिंदगी का निचोड़ असरा, अम्मा की बातों को दिल पे मत लो। मां है ना तुम्हारी, खुद को कभी अकेला भी मत समझना। तुम्हारा अपना घर है, जब तक रहना चाहती हूं रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहना।
और एक आखिरी बात, अपने भाई को जब और जहां आवाज दोगे उसे खड़ा पाओगे। और ये भतीजा भी पूरी दुनिया से लड़ सकता है तुम्हारे लिए। भूख लग रही होगी ना, कुछ खाने? पिज्जा। पिज्जा सर। वालेकुम अस्सलाम। वाओ, न्यू कार, कबड़ी सर, मेरे ब्रदर इन लॉ ने शादी पे गिफ्ट किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसे हैं आपके ब्रदर इन लॉ? सरवर साहब बहुत बिजी आदमी, लास्ट उनसे मुलाकात हुई थी तुम्हारी शादी पे, और फिर एक सेमिनार था इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आई मेट हिम देयर। सर, ही इज अ वेरी बिजी मैन, कम कम ही मुलाकात होती है। Yes, yes, yes. Sarwar sahab is a very busy man. Subah Pakistan, shaam Dubai mein hote hain. Anyway, young man, good luck. Thank you, sir. Thank you. Take care. With a bag. Assalamu alaikum, guys. Yes, you. Take care, fast. Yep. ये मछली कुछ उदास नहीं लग रही। फजूल बातें मत कर। अरे मैं इसकी बात करूं, ये देखो ऐसे लग रहा है खाना कोई और खा रहा है। शयान जाओ यहाँ से, तंग मत करो मुझे। यार अनु, तुम्हें ऐसे देख के ना दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। देखो अगर मोहब्बत वापस पुकार रही हो ना तो उसकी आवाज इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत बुरी चीज होती है। ना तो मुझे मेरी मोहब्बत पुकार रही और ना ही मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो फिर उदास क्यों है आप? मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि इतना सोचने के बाद भी मेरे पास सुल्तान की कोई एक भी याद नहीं है जिसे सोचकर मैं खुश हो सकूं। एक बात बताऊं, चार्ली चैपलिन ने क्या खूब कहा है, अगर हम बार बार एक ही लतीफे पर हंस नहीं सकते तो हम बार बार एक ही दुख पर रोते क्यों हैं? वाह सुल्तान, तुमने अपना एक और ख्वाब पूरा कर लिया। मैं ख्वाब देखता ही उस वक्त जब ख्वाब खुद पूरे होकर मेरी मुट्ठी में आने के लिए बेताब। माने ना माने ना दिल, माने ना माने दिल के तू।